वेलकम टू हर कृपा राधे राधे। मेरा नाम गरिमा है और आज हम सीखने वाले हैं ठाकुर जी के लिए एक और नई विंटर ड्रेस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो हमारी विंटर ड्रेस है वो कैसी है। ये जो विंटर ड्रेस है वो हमारी कुछ इस तरह से है और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर्स के वूल यूज किए हैं। फर्स्ट कलर जो है वो रेड कलर है, सेकेंड पैरेट ग्रीन कलर है और थर्ड कलर जो है वो डार्क ग्रीन कलर है। और ये जो ड्रेस है ये 5 नंबर के ठाकुर जी की है, बट इस ड्रेस को फॉलो करके आप सारे साइज में ड्रेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को बनाना शुरू करेंगे। और इस ड्रेस को बनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल यानी कि हरी कृपा क्रोशेट को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें और जैसे आप उस बेल पे प्रेस करेंगे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। तो आपको जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पे क्लिक करना होगा, तभी आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.75 mm का क्रोशिया लिया हुआ है, जिसे हम नंबर में 11 नंबर बोलेंगे। और हमें चाहिए सीजर। तो देखिए यहाँ पे मैंने चोली जो है वो बना ली है। और अगर आपको जानना है कि ये चोली कैसे बनी है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप सर्च में जाकर के हरी कृपा क्रोशेट चोली लिखेंगे तो आपको 0 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक की सारी चोलीज आपको मिल जाएंगी। और इसके नीचे का पैटर्न फॉलो करके आप किसी भी साइज में ड्रेस को बना सकते हैं। और अभी जल्द ही मैं 8 नंबर के गोपाल जी की चोली और ड्रेस का वीडियो भी जल्दी शेयर करूंगी। तो चलिए अब इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वूल को कट नहीं किया है और ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 3 चेन लेंगे, लूप लेंगे और लूप लेने के बाद अभी जहाँ पे हम लोगों ने 3 चेन बनाया है सेम उसी चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे वापस से डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे भी 2 बार सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी तरह से एवरी चेन स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूं। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूं और एंड में आने के बाद जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे 3 चेन बनाया था उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इस राउंड में टोटल मेरे पास 48 डबल क्रोशिया आए हैं। और अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहले यहाँ पे 1, 2 एंड 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद वापस से लूप लेंगे और अभी जहां से घेरे का हम लोगों ने डबल क्रोशिया स्टार्ट किया था यानी कि ये 3 चेन बना के उस चेन में पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक को डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस वाले चेन स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाया यानी कि ऊपर की तरफ हम लोगों ने बनाया तो ये फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा। और अब उसके जस्ट नेक्स्ट चेन स्टिच में यानी कि ये जहाँ पे बना हुआ है उसे छोड़ना है और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में हमें क्रोशिया हुक को लेके जाना है। लूप लिया और नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे बट यहाँ पे हमें चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को नहीं डालना है, यहाँ पे हमें लूप लेना है और ये जो चेन दिख रही है आपको इस चेन के बैक चेन के लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया और नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे 2 टाइम्स सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 एंड अगेन लूप लिया, सेम चेन स्टिच में गए, ये सेकंड। तो ये कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। एक बार और देखिए और हमेशा ड्रेस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें काउंटिंग जरूर करनी है, अदरवाइज ड्रेस में फ्रिल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा हमें अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद एक बार श्योर होना है कि हमने डबल क्रोशिया एग्जैक्टली सारे स्टिचेस में बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अब वापस से लूप लेंगे और अभी जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यानी बैक से क्रोशिया को डालेंगे और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन लूप लेंगे और अब जस्ट नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया एंड अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया सेम चेन स्टिच में।
और वापस से लूप लेंगे और अभी जिस चेन स्टिच में हमने वर्क फिनिश किया है उस चेन स्टिच के नेक्स्ट चेन स्टिच में वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पीछे से लूप लिया और यहाँ पे ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी तरह से यानी कि फ्रंट पोस्ट एंड वन डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड का जो सीरीज था यानी कि जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि फर्स्ट फ्रंट पोस्ट देन नेक्स्ट चेन स्टिच में फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट सेकेंड चेन स्टिच में टू टाइम्स डबल क्रोशिया, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे भी फिनिश हुआ है यानी कि फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड सेकेंड में दो बार डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे मैं इसको जो थर्ड चेन बनाया था उस वाले चेन स्टिच में ले जा करके और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हमारा सेकेंड राउंड फिनिश हो गया। अब वापस से यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि ये जो 3 चेन बना रहे हैं ये एक्चुअल में राउंड को स्टार्ट और एंड करने के लिए है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बन जा रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको जिस चेन स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाना है उसके जस्ट नेक्स्ट चेन स्टिच में आपको फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में आपको टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब वापस से लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो हमारा फ्रंट पोस्ट है अब ये आपको बहुत ही इजीली दिख रहा है, तो इसमें वापस से पीछे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे फिर से एक बार फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब वापस से लूप लेंगे और अब आपको जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उस चेन स्टिच के बैक लूप में यानी कि यहाँ पे जो आपको ये जो दो लूप दिखते हैं चेन स्टिच के उसके पीछे वाले लूप में आपको डालना है और फिर बनाना है ताकि हमारा ये जो स्टिचिंग है ये फ्रंट स्टिचिंग शो हो यहाँ पे। अब वापस से बैक लूप में लेके जाएंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया एंड अगेन लूप लिया, नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे सेकेंड डबल क्रोशिया अगेन लूप लिया और ये हमारा थर्ड चेन स्टिच है इसका बैक लूप है उसमें क्रोशिया हुक को डाला और अब यहाँ पे हमें टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। 1 अगेन लूप लिया, सेम चेन स्टिच में गए और यहाँ पे ये सेकेंड टाइम डबल क्रोशिया और वापस से लूप लेंगे और हर राउंड में एज इट इज फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लिया। तो अभी जैसा मैंने यहाँ पे बनाया सेम इसी प्रोसेस को पूरे घेरे पे करते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो एंड करूंगी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं यहाँ पे कि हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया के चेन स्टिच के बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया एंड अगेन 1 डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इसी प्रोसेस के साथ मैं अपना ये राउंड जो है वो कम्प्लीट करूंगी और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद एज इट इज जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 चेन बनाया था उसके थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमारा थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और वापस से फिर से यहाँ पे 1, 2 एंड 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद अगेन लूप लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसके फ्रंट पोस्ट में वापस से क्रोशिया हुक को बैक साइड लेके जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे और वापस से वही करना है कि एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में यानी कि पीछे वाले लूप में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में यानी पीछे वाले लूप में डाला और यहाँ पे फिर से एक बार और डबल क्रोशिया अगेन लूप लिया, फिर से बैक में गए वापस से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया अगेन लूप लिया। और हर बार हर राउंड में ये रिमाइंड करना है, याद रखना है कि जब भी हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा उसके पहले यानी कि इस कली के लास्ट में जो चेन स्टिच होगी उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो ये 1 टाइम अगेन लूप लिया, सेम चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे और वापस से जो फ्रंट पोस्ट है वहां पे डबल क्रोशिया के बैक में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे फिर से एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे।
तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी प्रोसेस से एवरी चेन स्टिचेस में डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं कि एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में, यानी कि जो पीछे की तरफ हमारा लूप है, उसमें वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, एंड लास्ट वाला जो चेन स्टिच है यानी फ्रंट पोस्ट के जस्ट पीछे वाले में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो इसी प्रोसेस के साथ मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और वापस से एंड में आने के बाद जो हमारा थर्ड नंबर का चेन स्टिच है, यानी स्टार्टिंग में जो ये हमने बनाया था, उसके थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में ले जा करके और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और वापस से वन टू एंड थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन लूप लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है वहां पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, अगेन लूप लेंगे। और अब यहाँ पे जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं, उन चेन स्टिच के पीछे वाले चेन स्टिच में यानी बैक लूप में हमें वापस से वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, एंड लास्ट वाले चेन स्टिच में यहाँ पे टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बैक लूप में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, बैक लूप में डाला, अगेन डबल क्रोशिया, लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में डाला, अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में डाला, अगेन डबल क्रोशिया। और अब ये फ्रंट पोस्ट के जस्ट पीछे वाला है यानी इस कली का लास्ट। तो यहाँ पे आते ही हमें ये हर बार याद रखना है कि इस चेन स्टिच में हमें टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है, वन, अगेन लूप लिया, सेम चेन स्टिच में गए, टू, और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है वहां पे हम एज इट इज फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पीछे से डाला और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही वापस से इस वाले में भी वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, एंड लास्ट चेन स्टिच के बैक लूप में टू डबल क्रोशिया और एज इट इज फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी प्रोसेस के साथ मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और वापस से फिर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दूंगी। और अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और वापस से यहाँ पे वन टू थ्री चेन बनाएंगे, अगेन लूप लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है वहां पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। लूप को निकाला, यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट बन गया और अगेन लूप लेंगे। और यहाँ पे जितने भी चेन स्टिचेस हैं, एवरी चेन स्टिचेस में बैक लूप में वन डबल क्रोशिया, 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 और फ्रंट पोस्ट के जस्ट बैक में यानी ये जो कली फिनिश होती है वहां पे हमें टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो बैक लूप में डाला क्रोशिया हुक को और यहाँ पे ये वन डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, बैक लूप में डाला, अगेन वन डबल क्रोशिया, बैक लूप में डाला, वापस से डबल क्रोशिया, अगेन लूप में डाला, डबल क्रोशिया, अगेन बैक लूप में डाला, डबल क्रोशिया। और अब ये इस कली का लास्ट है तो यहाँ पे इस बैक लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे सेम चेन स्टिच में टू टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेंगे। और वापस से जब हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा तो वहां पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी तरह से एवरी चेन स्टिचेस में वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में टू टाइम डबल क्रोशिया एंड फ्रंट पोस्ट पे एज इट इज फ्रंट पोस्ट बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद वापस से जो थ्री चेन बनाया था हमने, ये उसके थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे। थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके गई और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे रेड कलर इतना ही रखूंगी। अगर आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर की ड्रेस बना रहे हैं तो इसका घेरा जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर बनेगा, जैसा कि इस ड्रेस में बना हुआ है, तो ये घेरा और जो है वो बड़ा होगा। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग
मैं यहाँ पे 6 राउंड के बाद इस रेड कलर को स्टॉप करूंगी, बट अगर आप 6, 7, 8 नंबर का बना रहे हैं तो आपको घेरा जो है वो और थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा। और उसका प्रोसेस सेम होगा कि फ्रंट पोस्ट पे आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है और जितने भी आपके यहाँ पे डबल क्रोशिया हैं उनके बैक चेन स्टिच में आपको 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते जाना है और लास्ट में आते ही आपको यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप अपना उतना बड़ा घेरा बना सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं रेड कलर को कट करूंगी और इसे फिनिशिंग के साथ पीछे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे नॉट लगा दूंगी और अब यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से नॉट बना के क्रोशे हुक में डाला है और जहां पे मैंने अपना वर्क फिनिश किया है वहीं से स्टार्ट करूंगी, यानी कि जहां पे नॉट बना के मैंने इसको कट किया है सेम उसी चेन स्टिच में क्रोशे हुक को लेके जाऊंगी। सेम उसी चेन स्टिच में क्रोशे हुक को लेके गई और यहाँ पे इसको 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैंने 3 चेन बना लिया है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 एंड 2, 2 लूप लेंगे। 2 लूप लेने के बाद अब यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया का ये राउंड फिनिश हुआ, यानी कि 6 नंबर में ना डालते हुए 5th नंबर वाले राउंड में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे फ्रंट पोस्ट पे, यानी कि ये हमारा 5th राउंड है। तो 5th राउंड के फ्रंट पोस्ट के लूप में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 3 टाइम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब वापस से लूप लेंगे और जहां पे अभी हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके जस्ट नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालेंगे पीछे की तरफ से और यहाँ पे भी एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब वापस से लूप लेंगे और एज इट इज सारे चेन स्टिच के बैक लूप में फिर से क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए, अगेन डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, वापस से चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे भी 1 डबल क्रोशिया, लूप लिया, बैक लूप में गए, 1 डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, बैक चेन स्टिच के लूप में गए और अगेन डबल क्रोशिया, अगेन लूप लेंगे। और अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ये फ्रंट पोस्ट के बैक का है, तो ये हर राउंड में हमें याद रखना है कि फ्रंट पोस्ट के इस तरफ का डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के इस तरफ का यानी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के डबल क्रोशिया पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है बट 5th राउंड में हमें बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें इस वाले चेन स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो क्रोशिया हुक को बैक से डाला और यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब अगेन 1 एंड 2, 2 लूप लेंगे और 5th राउंड के फ्रंट पोस्ट में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से 1, 2 एंड 3 और फिर से लूप लेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बोला कि फ्रंट पोस्ट के दोनों साइड यानी कि राइट लेफ्ट पे भी हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो अगेन बैक से गए और यहाँ पे फिर से एक फ्रंट पोस्ट बना लिया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और वापस से इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी कि बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया, 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 बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया। और जैसे ही हम फ्रंट पोस्ट के राइट और लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे हमें 1 फ्रंट पोस्ट एंड अगेन 1 फ्रंट पोस्ट और यहाँ पे 5th राउंड में यानी कि 6th राउंड को छोड़ते हुए 5th राउंड में यहाँ पे हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे घेरे में ग्रीन कलर से बॉर्डरिंग करते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद वापस से जो यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में 3 चेन बनाया था उसके 3rd नंबर वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे। और अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे वापस से फिर से 1, 2, 3, 3 चेन बनाएंगे और वापस से लूप लेंगे और इस बार जो हमें लूप लेना है वो सिंगल लूप लेना है और वापस से फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बना देना है।
अब इस रो में हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट होगा वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाना होगा और बाकी स्टिचेस में जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो वापस से जो यहाँ पे चेन स्टिचेस हैं उसके बैक लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया एंड अगेन बैक लूप में वन डबल क्रोशिया, अगेन बैक लूप में वन डबल क्रोशिया, अगेन लूप लेंगे, बैक लूप में गए डबल क्रोशिया, अगेन बैक लूप में गए और यहाँ पे भी वन डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे जो ये फ्रंट पोस्ट है उस वाले चेन स्टिच में हमें टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि ये वन एंड अगेन सेम चेन स्टिच में जाएंगे और ये टू। तो अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वापस से लूप लिया और जो फ्रंट पोस्ट है वहां फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एंड अगेन जो फ्रंट पोस्ट है वहां पे फिर से फ्रंट पोस्ट एंड अगेन फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक बार और देखिए, जहां पे हम लोगों ने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक लूप में, यानी कि ये जो बैक लूप है इसमें हमारा वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया एंड वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ, एवरी फिफ्थ चेन स्टिच के बैक लूप में टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद जो यहाँ पे लास्ट फ्रंट पोस्ट था वहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाते हुए और यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। और अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इस ग्रीन कलर का वर्क फिनिश होता है, तो मैं इसे कट कर दूंगी और इसे नॉट बनाते हुए पीछे की तरफ अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर में नॉट बना के क्रोशिया हुक में लगा लिया है और अब जहाँ पे अपना वर्क फिनिश किया था उसी चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कलर को कनेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को ज्वाइन कर दिया है और वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब वापस से एवरी चेन स्टिचेस में वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। तो ये यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी तरह से एवरी चेन स्टिचेस में वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दिया है और अब वापस से यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव चेन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने फाइव चेन बना लिया है ज्वाइन करने के बाद और यहाँ पे वन टू दो चेन स्टिच को छोड़ेंगे और थर्ड नंबर वाले चेन स्टिच के बैक लूप में, यानी कि यहाँ पे जो दो स्टिचेस होते हैं, एक ये फ्रंट और ये बैक, तो ये बैक साइड वाले में ले जाके और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब वापस से वन एंड टू, अब यहाँ पे दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे वन चेन स्टिच को छोड़ेंगे और सेकेंड नंबर वाले चेन स्टिच के बैक लूप में ले जाके इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको ज्वाइन करेंगे और वापस यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री चेन बनाएंगे और फिर वापस से वन टू दो चेन स्टिच को छोड़ेंगे, थर्ड नंबर वाले में ला करके इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन करेंगे। तो ये लूप्स बनते जाएंगे और ये लूप कुछ इस तरह से होंगे। तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम दो चेन स्टिच को छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट होगा हमारा वन चेन स्टिच को स्किप करना, फिर टू, फिर वन, फिर टू, इसी सीक्वेंस के साथ इस राउंड को मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्री था तो अब यहाँ पे मिडल में वन स्किप हुआ है और वापस से वन टू दो चेन बनाएंगे और वन टू सेकेंड नंबर वाले चेन स्टिच में ले जाके और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। और अब इस डार्क ग्रीन कलर का वर्क फिनिश होता है तो इसको कट करूँगी और यहाँ पे नॉट बना दूंगी। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और अब बारी आती है इसमें लाइट ग्रीन कलर ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे नॉट बना करके ग्रीन कलर को क्रोशिया हुक में डाला
और जहां से अपना ये रोल स्टार्ट किया था यानी कि थर्ड नंबर का चेन बनाया था वहां पे अपने क्रशर हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 2 तो दो चेन बनाएंगे, लूप लेंगे और इस वाले लूप के अंदर यहाँ पे 5 times डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 लूप लिया, सेम लूप में गए, 2 times अगेन लूप लिया, सेम लूप में गए, 3 अगेन लूप लिया, 4 एंड अगेन लूप लिया, 5 और वापस से 1 2 दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अगेन 1 2 लूप लेंगे और नेक्स्ट लूप में 5 times डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 सेम लूप में, 2 अगेन सेम लूप में, 3 अगेन लूप लेंगे और यहाँ पे 2 times और डबल क्रोशिया सेम लूप में बना लेंगे। तो ये हो गया 4 एंड लास्ट 1 5। अब अगेन 1 2 दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे 1 2। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट लूप में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट लूप में हमें 5 times डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूंगी, यानी कि सिंगल क्रोशिया, 2 chain एंड अगेन 5 double क्रोशिया, फिर 2 chain एंड सिंगल क्रोशिया। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद वापस से यहाँ पे 1 and 2 दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी सिंगल क्रोशिया में इसको लेके जाऊंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दूंगी और वापस से यहाँ पे नॉट लगा के कट करूंगी और इसको पीछे की तरफ अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो ये जो ड्रेस है ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब यहाँ पे रेड कलर से बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का क्रोशिया हुक में नॉट बना लिया है और नॉट बनाने के बाद अब हमें एवरी चेन स्टिचेस में पर्ल बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बना के ग्रीन कलर से ज्वाइन किया हुआ था इसी चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी मैं और यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर को ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पे रेड कलर को ज्वाइन कर लिया है और अब वापस यहाँ पे 1 2 3 थ्री चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाने के बाद जो अभी हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसी में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक पर्ल बना लेंगे और अब वापस से जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 chain स्टिचेज हैं, एवरी चेन स्टिचेज में पर्ल बनाने हैं। तो सबसे पहले इस यहाँ पे बनाया जो सिंगल क्रोशिया था और उसके बाद अब क्रोशिया हुक को इस डबल क्रोशिया के चेन स्टिच में लेकर के जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 एंड 3 थ्री चेन बनाएंगे और वापस से जो यहाँ पे दो लूप दिख रहे हैं इन लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में दो लूप हो गए हैं और इनको इस तरह से सिंगल क्रोशिया जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे ज्वाइन करेंगे। अगेन नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे वापस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 एंड 3 और वापस से जो यहाँ पे हमारे दो लूप हैं फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप क्रोशिया हुक को लेके गए और यहाँ पे इनको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन किया। अगेन हमारा एक पर्ल और बन गया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते उसको ज्वाइन करूंगी। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है वैसे ही मैं एवरी चेन स्टिचेस में पर्ल बनाते हुए अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट कर लूंगी और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यानी कि एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार पर्ल बनाते हुए ये अपना राउंड जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद एवरी चेन स्टिच के ऊपर पर्ल बनाया है, वैसे ही मैंने इस वाले चेन स्टिच के ऊपर ये पर्ल बनाया है और अब इसको यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया जहाँ से हमने रेड कलर का पर्ल स्टार्ट किया था वहाँ पे ले जाके मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। तो इसी चेन स्टिच में लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर दूंगी और अब इसको कट करूँगी
लंबा वूल ले करके और पीछे की तरफ नॉट्स बनाते हुए इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। तो ये जो ड्रेस है वो बन करके रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहे ठाकुर जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेस सीखने के लिए। और आप सब मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ताकि आप सब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सके। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देख के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई होगी, तो प्लीज उस ड्रेस की पिक मेरे साथ फेसबुक पे शेयर करें और हरि कृपा क्रोशेट परिवार का हिस्सा बने। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।